नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। प्रधानमंत्री लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन में सियासी संकट बढ़ गया है। उनके इस्तीफे के बाद एक बार फिर सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के समक्ष अगले पीएम के रूप में बड़ी चुनौती सामने आ गई है। लेकिन इसी बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अब भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जिसको लेकर कंजर्वेटिव पार्टी ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। जल्द ब्रिटेन के नए पीएम की तस्वीर साफ हो जाएगी। इस रिपोर्ट में देखिए, ब्रिटेन के पॉलिटिकल पंडित कई दिनों से जो बात कह रहे थे, आखिरकार वो सच साबित हुई, क्योंकि लीज ट्रस प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी है। पार्टी के दबाव के आगे उन्हें झुकना पड़ा। हालांकि पार्टी का अगला नेता चुने जाने तक वो पद पर बनी रहेंगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि लीज के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल का नया नेता कौन बनेगा। रिपोर्ट में तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक को ही इस पद पर सबसे बड़ा और सबसे काबिल दावेदार बताया जा रहा है। कई नेताओं ने सुनक के अगस्त में दिए बयान की याद दिलाई। तब ऋषि ने कहा था कि लीज टैक्स कटौती का चुनावी वादा कर रही है, ये इकोनॉमी को तबाह कर देगा। ऋषि सुनक की ये वाणी सच साबित हुई। तो वहीं पूर्व वित्त मंत्री कासी वार्टेंग और जेरेसी हंट दोनों ही नई पार्टी लीडर की रेस से खुद को बाहर बता चुके हैं। अब ऐसे में तगड़ा दावा भारतीय मूल के ऋषि सुनक का माना जा रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया था कि ब्रिटेन के लोगों और कंजर्वेटिव पार्टी के कई सांसदों की सोच ये है कि सितंबर में सुनक को ही प्रधानमंत्री बनाया जाना था। लीज को गलत चुन लिया गया। अब सवाल ये है कि क्या ऋषि सुनक दोबारा इस रेस में शामिल होंगे। इसकी बड़ी वजह ये है कि पार्टी और देश की सियासत में 15 दिन से उथल पुथल मची थी और ऋषि शांत थे, जिसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया। वहीं पूर्व मंत्री मॉडेंट भी रेस में शामिल हो सकती हैं। वैसे भी लीज के चुने जाने से पहले सांसदों ने जो वोटिंग की थी, उसमें सबसे ज्यादा वोट सुनक को ही मिले थे। लेकिन जब दो कैंडिडेट यानी लीज और सुनक बचे, तो फैसला कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स ने किया, जिसमें लीज ने बाजी मार ली। सुनक पहले ही आगाह कर रहे थे कि लीज जो चुनावी वादा कर रही है, वो ब्रिटेन की इकोनॉमी को तबाह कर देगी। तो ऐसे में उनकी भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। लेकिन वहीं पीएम पद के चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबरों की वोटिंग में हारने वाले ऋषि सुनक फिलहाल वेट एंड वॉच की नीति अपनाए हुए हैं। माना जा रहा है कि सुनक समर्थकों के साथ रणनीति में जुटे हैं, क्योंकि सुनक के पास ट्रस्ट से ज्यादा सांसदों का समर्थन है। सांसदों की फाइनल वोटिंग में सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी के 137 जबकि ट्रस्ट को 113 सांसदों के वोट मिले थे। वहीं कहा जा रहा है कि बोरिस जॉनसन भी दांव खेल सकते हैं। तो लिज ट्रस के बाद ब्रिटेन के अगले पीएम के लिए ऋषि सुनक का नाम सभी की जुबान पर है। लेकिन बोरिस जॉनसन के नाम ने इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि दावा ये भी है कि बोरिस अंदर खाने सांसदों को भरोसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर सांसद ऋषि सुनक पर भरोसा जता रहे हैं। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।